अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल लेटेस्ट एंड यूनिक वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन एंड पोटैटो के कटलेट्स, जो कि बहुत टेस्टी हैं और यमी हैं और बहुत ज़्यादा हर घर में तकरीबन इसे लाइक किया जाता है। मैंने लिए थे 4 पोटैटो, तकरीबन ये 1/2 kg थे, इसको मैंने बॉयल कर लिया था। ये है चिकन, मैंने इसको बॉयल किया था लहसुन अदरक डालकर, फिर मैंने इसको चॉप या ग्राइंड या जो भी मतलब आप हाथ से भी शटर कर सकते हैं। और ये मैंने लिया था हरी मिर्च, पुदीना और ज़ीरा, इसको मैंने चॉप कर लिया था। और सूखे मसालों में मैंने लिया था पिसी मिर्ची, नमक, काली मिर्च, ये है मेथी ऑप्शनल है आपके लिए, अजवाइन और थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा। इन सब चीज़ों को पहले मैंने आलू को अच्छी तरह किया था मैश, क्योंकि आलू मेन चीज़ होती है, इसलिए मैंने पहले आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया था। ये देखें कितने स्मूथली ये मैश था। फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे सारे ड्राई मसाले। ड्राई मसालों के साथ ही मैंने इसके अंदर वो जो मेरे ग्रीन मसाला था, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च, वो भी मैंने ऐड किया था। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था हमारा चिकन। चिकन वगैरह सबको मैंने अच्छी तरह मिला के एक प्यारी सी डो बना ली थी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त डो बनी थी। फिर इसके बाद डो बनाने के बाद इसको हमने देनी शेप कटलेट्स की, कटलेट्स की शेप दी थी। और आप इस डो को या कटलेट्स बना के आप पूरा 1 हफ्ता फ्रीज़ कर सकते हैं। पोटैटो और चिकन के ज़्यादा फ्रीज़ देर तक फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसलिए 1 हफ्ते से ज़्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। फिर मैंने इसको राउंड शेप दे दी थी, और राउंड शेप देने के बाद फिर मैंने इसको किया था फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने लिया था मैदा थोड़ा सा, साथ में लिया था एक एग और लिया था चिप्स। ये मैंने लेस चिप्स ली थी, आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब एक हद तक ही क्रिस्पी रहते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो सॉफ्ट से हो जाते हैं। और ये चिप्स के साथ आप इसको करेंगे लेस चिप्स के साथ, तो ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, बल्कि एंड बाइट तक क्रिस्पी रहते हैं ये, इसका फिर क्रिस्पी पाना नहीं जाता ऊपर से। फिर ये देखें मैंने इस तरह की थी कोटिंग, पहले मैदा लगाया, फिर एग में डिप किया, और फिर मैंने इसको ऊपर से चिप्स के अंदर कोट करके इसको किया था फ्राई। मैंने इसको बहुत लाइट आंच पे शैलो फ्राई किया था, क्योंकि डीप फ्राई नहीं होता, ये डीप फ्राई करेंगे तो सारे जो कटलेट्स हैं वो बिखर जाएंगे। ये देखें मैंने लाइट आंच पे किया था, और ये था मेरे कटलेट्स का फाइनल लुक। और मैंने इसको टिश्यू पेपर में सर्व किया था, क्योंकि वो ऑयल एब्जॉर्ब करता है। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से शेयर।